SFI में आज नेताजी को अंतिम विदाई दी जाएगी। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। SFI में दरअसल उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सुबह 10 बजे से लोग नेताजी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आज किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से मेला ग्राउंड में नेताजी का अंतिम संस्कार होना है, जिसमें तमाम जो राजनीतिक जगत के दिग्गज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आपका दल हो, हर कोई अंतिम दर्शन करने के लिए आज पहुंचेगा। लंबी बीमारी के बाद नेताजी अभी दुनिया में नहीं रहे। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थी, मुलाकातों का दौर भी अस्पताल में चल रहा था। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो सुबह 10 बजे से लोग दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं और मेला ग्राउंड में नेताजी का आज अंतिम संस्कार होना है। इसको लेकर पल पल की आपको जानकारी भी बताएंगे और साथ ही तस्वीरें भी दिखाएंगे। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, लंबे वक्त से इलाज चल रहा था और अब जिंदगी की जंग हार गए। आज कौन कौन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेगा ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी के लोगों से, ये सियासी कर्म भूमि उनकी रही है, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता उनका यहाँ के लोगों से रहा है, बातचीत करिए इन लोगों से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का रिश्ता न सिर्फ मैनपुरी SFI इटावा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, अलग अलग पार्टियों के नेता हो या फिर कार्यकर्ता या फिर आम वोटर, जिस तरीके का रहा है उसकी वानगी आज देखने को मिल रही है। पूरा मैनपुरी जिस तरीके से एक सन्नाटे में है, सन्नाटा पसरा हुआ है, हर कोई या तो SFI जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर रुका हुआ है, या फिर यहां बहुत कम लोग बचे हुए। लेकिन मेरे साथ में कई सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। आप नेताजी, आप लोगों के लिए क्या मायने रखते थे, क्या कुछ कहेंगे आज नेताजी के लिए? नेताजी व्यक्तित्व के धनी थे जी। क्षेत्रीय आदमी कोई भी उनके पास पहुंचता था, उसकी बात सुनते थे। एक बार 84 की बात है, मैं उनके पास गया, बातचीत हुई, हमारा कोई उनसे परिचय भी नहीं था विशेष, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब जाइए, 6वें दिन आपके पास पुष्ट कार्ड पहुंच जाएगा कि आपका काम हो गया। ये व्यक्तित्व था। आप लोग यहीं आसपास में रहते हैं मैनपुरी में? हाँ जी जी। हाँ जी, नेताजी बहुत लोकप्रिय थे और वो दीन दुखियों की बहुत सहायता करते थे। कोई भी उनके पास पहुंच जाता था, वो जो चाहता था वो उनको दिलाने की कोशिश करते थे। जी, जिस तरीके से लोगों की मदद करना हो या फिर लोगों के साथ में खड़े होना, अपने अपनापन का एहसास कराना हो, नेताजी का आज वो सब चीज़ें याद आ रही हैं? हाँ, सब आज वो याद आ रहे हैं, उनके जाने के बाद ही सभी चीज़ें याद आती हैं। और वो एक्चुअली उनको धरती पुत्र इसीलिए कहते थे कि वो धरती जमीनी नेता थे और उनको करीबे से लेकर बड़े लोगों तक की समस्याओं का पता था।